हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। इस वीडियो में हम ऐसी रचना और उनके कवियों के बारे में जानेंगे जिनसे भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का पता चलता है। चलते हैं दोस्तों ट्रिक की तरफ, ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। इसकी ट्रिक है अर्थ को अभी का सुपन भाया राग पच गई हवा मूवी में। दोस्तों ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है। पहली लाइन से देखते हैं अर्थ को में अर्थ से याद रखेंगे अर्थशास्त्र को, और को से याद रखेंगे कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अभिका में अभी से याद रखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम को, और का से याद रखेंगे कालिदास, यानी कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी। सुपन भाया, सुपन से याद रखेंगे सुपन भास्म दत्ता को, और भाया से याद रखेंगे भास, यानी कि भास ने सुपन भास्म दत्ता लिखी। अब देखते हैं दूसरी लाइन को, राग पच गई हवा मूवी में। राग में रास याद रखेंगे रास तरंगणी, और कैसे याद रखेंगे कलहड़, यानी कि कलहड़ ने लिखी रास तरंगणी। पच में पैसे याद रखेंगे पृथ्वीराज रासो, और चैसे याद रखेंगे चंद्रवरदाई, यानी चंद्रवरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। गई इसमें साइलेंट है। हवा में हैसे याद रखेंगे हर्षचरित, और बास याद रखेंगे बाणभट्ट, यानी कि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। मूवी में मुँह से याद रखेंगे मुद्र राक्षस, और बी से याद रखेंगे विशाख दत्त, यानी कि विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखी। दोस्तों बाणभट्ट की और भी रचनाएं हैं जिनको हम चहक से याद कर सकते हैं। चह से याद रखेंगे चंडी शतकम, है से याद रखेंगे हर्षचरित जो कि हमने अभी ऊपर याद की है, कैसे याद रखेंगे कादम्बरी। मगर दोस्तों चंडी शतकम और कादम्बरी से भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का पता नहीं चलता है, हर्षचरित से ऐतिहासिक स्रोतों का पता चलता है। इसके बाद देखते हैं दो विदेशी रचनाकारों को जिनसे कि भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों का पता चलता है। पहले हैं हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी थी, और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। दूसरे हैं मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।